ये देख रहे हैं आप, ये मेरे छोटे से मासूम से प्यारे से ट्राइपॉड की एक टांग है। दो टांगों पे मेरा ट्राइपॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो बात यह है कि आज संडे का दिन है और फ्राइडे को मैं नानी के घर वापस आ गया था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि मेरे कज़न्स पाकिस्तान इधर कराची आए हुए और कल ये लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा यार टाइम स्पेंड थोड़ा करूँगा। और तो बात यह है कि नानी के घर पर जो है मैं अपना सेकेंड ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। फ़र्स्ट ब्लॉग जो आपने मेरा देखा था ईद वाला, वो इसी ड्राॅइंग रूम में मैंने बनाया था। लेकिन यार लाइटिंग इधर कुछ इतनी मतलब ख़ास है नहीं, मतलब लाइटिंग का तो सेटअप कुछ है नहीं, तो लाइटिंग के बगैर अच्छा ब्लॉग नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। तो गुड लाइटिंग कमिंग इन 3, 2, 1। तो कैसी लगी न्यू लाइटिंग? ये मेरे सामने लैंप रखा हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में भी मैं ये लाइटिंग करूँ, क्योंकि ये लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बताएं कमेंट करके कि ये लाइटिंग अच्छी है या जो पुराने ब्लॉग्स में लाइटिंग होती थी वो अच्छी लगती है। और आज का ब्लॉग वो ब्लॉग है जिसका मैं बहुत टाइम से बनाने का इंतज़ार कर रहा था, और हो सकता है आप में से भी किसी ने इंतज़ार किया हो कि ये ब्लॉग मैं कब बनाऊंगा। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि एक ब्लॉग मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन बन नहीं रहा है क्योंकि मैं उसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी ऐड कर रहा था। मैंने सोचा नहीं यार, अब उसको सिंपलेस्ट वे में बनाते हैं। तो फाइनली आज मैं वो ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इन्जॉय करें ब्लॉग एंड तक, अच्छा ब्लॉग है, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन आज के ब्लॉग पर आने से पहले जो आज एक चीज़ हुई है, पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद आज के ब्लॉग पे आते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे छोटे से मासूम से प्यारे से ट्राइपॉड की एक टांग है। दो टांगों पे मेरा ट्राइपॉड। अच्छा, तो आज का ब्लॉग इस बारे में है कि 9 जुलाई को मेरे प्रैक्टिकल ख़त्म हुए थे और उसी दिन फ्राइडे का दिन था वो, और दराज पे एक सेल चल रही थी जिसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉन मोबाइल्स का ही था, हाँ मोबाइल्स की सेल थी, उस पर अप टू 70% ऑफ था। तो और मुझे एक नया मोबाइल तो लेना ही था, तो मैंने सोचा यार मोबाइल लेते हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा था, क्योंकि MI के फ़ोन अगर आपने देखा हो, मूरू का आपने ब्लॉग देखा, ट्रेवल ब्लॉग देखा हो, युफानों का देखा हो, तो उनमें MI ने उनको स्पॉन्सर किया था और वो लोग MI के मोबाइल दे गए थे और उन्होंने MI के मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था, अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं यही मोबाइल लूँगा, ये कंटेंट क्रिएटर्स के पास ये मोबाइल है और वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं ये, तो क्यों ना मैं भी यही मोबाइल ले लूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये MI A1 जो मोबाइल है मैं ये ले लूँगा। तो मैंने 9 जून को जब ऑर्डर करने के लिए मैंने देखा तो MI A1 था तो, लेकिन 32 GB था। 32 GB अगर मैं लूँ तो उसमें मेमोरी नहीं होती यार, उनकी वीडियोज इतनी होती है, 32 GB में मेमोरी नहीं होती। फिर मैंने देखा कोई 64 GB वाला मोबाइल मुझे मिल जाए, मैं Redmi Note 4 लिया, 64 GB का है, और ये अगले दिन ही उन्होंने डिलीवर कर दिया। मुझे लगा टाइम लगेगा, तो 10 जुलाई को ये मोबाइल आ गया मेरे पास। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं कि बाहर आएगा मोबाइल, बेल बजेगी घर की, इस तरह शो करूंगा, ऊपर से मोबाइल गिरेगा मेरे सर पर, इस तरह मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया और टाइम गुजरता गया। तो मैंने सोचा कि अब नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, देख लिए मेरे Redmi Note 4 के स्लोमो शॉट्स। और यार ये जो शॉट्स मैंने फिल्म किए हैं ये iPhone 8s से किए हैं, और मोस्टली ये ब्लॉग iPhone 8s से शूट हो रहा है, लेकिन आगे एक पार्ट आएगा, स्लो मोशन शॉट्स आएंगे जो मैंने Redmi Note 4 से शूट किए हैं, मैं उस वक्त आपको बता दूंगा जब वो आएंगे। अच्छा, तो बात ये है कि मैंने ये फ़ोन लिया क्यों? मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया क्योंकि इरफान रेंजो को अगर आप फॉलो करते हो, ब्लॉग्स देखते हो, तो जब सिनेमेटिक शॉट्स इरफान रेंजो के आ रहे होते हैं तो इरफान रेंजो कहते हैं कि आप 120 FPS इन्जॉय करें। तो मुझे वो सुन के ना, 120 FPS सुन के मुझे पहले पता भी नहीं था कि 120 FPS है क्या, फिर मुझे पता चला कि 120 FPS ये वो। तो मुझे कैमरा वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना मुझे ऐसी कोई नॉलेज है, और 120 FPS मुझे का ये मुझे हो गया कि
कि मैं भी अब कैमरा लूँगा या मोबाइल लूँगा, जो भी लूँगा 120 FPS का लूँगा। तो मैंने सर्च किया तो Redmi Note 4 की स्पेसिफिकेशन में भी 120 FPS था, तो मैंने कहा क्यों ना ये ले लूँ, क्योंकि ये Redmi के मोबाइल उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स ने सजेस्ट किए थे, मूरू ने, युखानो ने, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने इसलिए मोबाइल लिया। अच्छा, मोबाइल की तो बात हो गई, अब हमें जाना है Copacabana। Copacabana के स्लोमो शॉट्स जो होंगे वो मेरे Redmi Note 4 से होंगे फिल्म, बाकी जो बीच में मेरी बातें आती रहेंगी वो इसी iPhone 8s से होगा। Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. ये आपने Copacabana के भी स्लोमो शॉट्स देख लिए। ये ब्राज़ीलियन स्टेक हाउस है और मेरे ख्याल से कराची में अगर हैं भी तो बहुत कम है, ये मुझे नहीं पता और हैं भी या नहीं। ये मेरे खालू का रेस्टोरेंट है, तो आप इधर ज़रूर आइएगा और स्टेक्स अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर आएँ इधर, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और मेरा नाम लीजिएगा, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, डिस्काउंट ही मिलेगा। अच्छा, इस ब्लॉग में मैं चाह रहा था कि थोड़े डिफरेंट एंगल से मैं बनाऊँ, लेकिन ट्राईपॉड मेरा टूट गया है, आपको मैंने बताया। और कहाँ जा रहे हो यार, ट्राईपॉड मेरा टूट गया, मैंने आपको बताया, इसलिए यार डिफरेंट एंगल्स ना ये हाथ में पकड़ के मोबाइल करने में मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह नया ट्राईपॉड लूँगा, तो डिफरेंट एंगल्स पे इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स जो होंगे कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा एंगल्स बना सकूँ। ये था आज का छोटा सा व्लॉग, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और यार ये व्लॉग शूट करते हुए बहुत सारे ब्लूपर्स हैं, क्योंकि मेरे कज़न्स ना बहुत मस्ती कर रहे थे यार, व्लॉग मैं कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रहा था। तो अब जाते जाते आप ब्लूपर्स देखें, बहुत सारे हैं लेकिन सारे तो नहीं डालूँगा, जितने भी हैं आप जाते जाते ब्लूपर्स देखें। फिर आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, ब्लूपर्स एंजॉय करना। I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. और आगे मैं क्या बोल रहा था उसको? मेरा tripod. नहीं, उससे पहले lighting. Lighting, हाँ.
और टाइम्स इस ब्लॉग में तो नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में शायद उनको देखें अगर फाइल वाली बात ये तो हो गई। क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ यार बार बार। अच्छा अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? क्यों रोक रहे हो? क्यों रोकना है? I thought you were going to. क्योंकि मैं तुम्हारा सर आ रहा है।